एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो हम इसमें आपको डिफरेंस समझाना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इसके जो ऑर्गेनल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इन सारे की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल है क्या? द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल तो है, न्यूक्लियर मटेरियल क्या है आपका, जो कि आपका न्यूक्लियर मटेरियल क्या है, आपका न्यूक्लियोइड्स है जो कि बना होता है डीएनए से, वो जो है आपका सराउंडेड नहीं होगा, घिरा हुआ नहीं होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, वैसे सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। आपने क्लास 8 में पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस के डबल लेयर मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में उस न्यूक्लियर मटेरियल को कवर करने के लिए कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, और वैसे सेल को जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि बने रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो आप कह सकते हो द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो हमने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उसमें आप क्या देखे हो, पहला पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे कि न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है। देर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियर मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल उसके अराउंड नहीं, न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता है। थर्ड क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल फिर क्या होगा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा तो न्यूक्लियर मटेरियल इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ। ऑल द प्रोकैरियोट्स आर सिंपल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। इस पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। दे वेयर प्रोबेबली द फर्स्ट लिविंग थिंग टू इवॉल्व ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर संभावनाएँ हैं, संभावना मानी जाती है कि ये जो है आपका फर्स्ट लिविंग थिंग्स थे, ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो है सबसे पहले इनका इवोल्यूशन हुआ था अर्थ पर। एग्जांपल है आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है आपके प्रोकैरियोट्स। हमने आपको पहले पढ़ाया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी का अनदर नेम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, इसीलिए आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है, उसमें क्या था आपका कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इनक्लोज नहीं था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल क्या हो, इनक्लोज होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, वैसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल इनक्लोज बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि पोजेसेस हो, मतलब जिसमें न्यूक्लियस बाउंडेड हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम लोग यूकैरियोट कहते हैं। तो आप कह सकते हो द ऑर्गेनिज्म हुज सेल पोजेसेस अ न्यूक्लियस बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। समझ में आ गया क्या डिफरेंस है आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्या था, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इनक्लोज नहीं था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और यूकैरियोटिक में क्या था कि न्यूक्लियर मटेरियल आपका इनक्लोज्ड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब उसमें क्या था, उसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस कह सकते हो नहीं है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट्स में क्या है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है। तो आप कह सकते हो दे हैव प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट्स क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल
is not in direct contact with cytoplasm. It is separated from cytoplasm by the nuclear membrane. Nuclear membrane जो है आपका eukaryotic cell में उसका direct contact नहीं होगा किसके साथ, cytoplasm के साथ. क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसमें आपका separate हो जाता है cytoplasm किसके through, nuclear membrane के through. Example क्या हो गया आपका eukaryotic cell का, amoeba, chick cell, onion peel cell, plant, animal, protozoa, फंजाइट, ये सारे एग्जांपल हो गए आपके यूकैरियोटिक सेल में. ठीक है, उसके बाद फिर आप आइए ऑन इन यूकैरियोटिक सेल, इट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल. यूकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ सेल के आधार पर सेल को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में. एक है आपका यूनिसेलुलर और दूसरा क्या होगा आपका मल्टीसेलुलर. तो यहाँ पे आपको पढ़ना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो और वह ऑर्गेनिज्म जो कि बने हो एक सेल से उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, एमीबा, क्लैमाइडोमोनास और पारामीशियम. दूसरा है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. आप क्लास 8 में भी पढ़े हो कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से ज़्यादा के बने हो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका प्लांट और एनिमल. ओके, थैंक यू. जय नारायण. गुड मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट. आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब इसमें अभी हम लोग इस टॉपिक में हम लोग टाइप ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे. टाइप ऑफ सेल में आपको पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. तो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, इसमें आप देखिए कि यहाँ पे जो न्यूक्लियॉइड्स हैं और ये न्यूक्लियॉइड्स जो है वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, बस ऐसे ही एक आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है और इस स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे. तो प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, तो द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं वह सेल जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल तो रहता है लेकिन उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, वैसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसका जो है प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं. तो ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है या आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोट्स क्या है, तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे. तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. तो हमने आपको बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक का वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहता है. वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहता है इसका मतलब कि आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. तो इस तरह से इस प्रोकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो पूरे वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहते, जो कि मेजर डिफरेंस है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियर मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. द न्यूक्लियर मटेरियल इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद साइटोप्लाज्म.